जल्दी चले, आज एक गुड न्यूज लेके आई है। गुड न्यूज? यस। सुबह का ब्लॉग देख लेते हैं, रात का देख लेते हैं। तो अब मैं दिखा रही हूँ कि हम लोग दिन के टाइम क्या करते हैं। वैसे तो दिन में हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिया है, ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो ना कई दिन से बारिश हो रखी थी, सुबह सुबह बारिश हो जाती थी, खिड़की खोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि भाई बारिश हो रही है, क्या ही करूँ। अब आज ना धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा चलो खिड़की खोल लेती हूँ, बट बारिश ना इतनी जाम हो गई है, क्या बताऊँ। और गाइज़, जैसे मेरे टेस्ट हुए हैं ना, तो बताऊँ ना, उसमें ना हीमोग्लोबिन तो जैसे आपको पता ही कम आया है, और थायराइड आया ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ, मेरी बॉडी तो फूल गई है थायराइड की वजह से, और खून की कमी हो गई, मतलब अंदर से वीकनेस हो गई है, और शरीर इतना मोटा हो गया है कि जैसे इतनी खा खा के मैं हट्टी कट्टी हो गई हूँ। और ये फुलावट ना एकदम से हुई है, तो कुछ दिन में मैंने जैसे वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है। तो टेस्ट कराए तो पता चला कि ये थायराइड का ही रीज़न था, और जो मेरे मिसकैरेज का रीज़न था वो भी ये थायराइड ही निकला। और थायराइड ये कई सारी चीज़ें मेरी बढ़ी आई थी ना, तो उसकी वजह से हुआ। तो मैं आ गई थी यहाँ पर काम करने मम्मी के साथ, थोड़ी सी हेल्प कराने। सुबह मम्मी ही मतलब अभी आटा वाटा कर देती हैं, किसी दिन मैंने एक आध दिन कराया, वैसे तो मम्मी करती हूँ ऑलमोस्ट। और खड़े खड़े का काम ज़्यादा मम्मी घर ही कर रही हैं, मैं इतना नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को लगा कि यार देखो किचन विचन सारी फैली पड़ी थी, अब एक जना काम कर रहा होता है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ, और इसके पापा का नाश्ता बना देती हूँ। इनको ना रोटी सब्जी नहीं खानी होती है सुबह में, तो यहाँ पे लंच की तैयारी चल रही थी। और मतलब सुबह एक बार सबने चाय पी ली थी, फिर सब्जी वगैरह बन रही थी जैसे लंच टिफिन के लिए पैक होगा, तो इनको खाने थे मूली के पराठे। तो मैंने सोचा इतने मैं वही छील लेती हूँ और उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइज़, आप सबके साथ एक बात शेयर करनी थी, हम लोग जा रहे हैं फॉरेन कुछ दिन के लिए। तो ना अभी सब चीज़ें ना उसी के अराउंड हो रही हैं मेरी, जैसे मैंने ना बाल करा लिए थे और जो हमारी तैयारी हुई, और जैसे ऑल सडन एकदम प्रोग्राम बना है ना, सारी चीज़ें सेट हुई हैं। तो उसका भी ब्लॉग मैंने शूट कर रखा है, आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी, तो वो भी मैं आप दिखा दूँगी कैसे क्या हुआ था। और हमारा ना काफ़ी टाइम से था कि हमें जाना था, तो हो नहीं पा रहा था, कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ। तो अब ये चीज़ें एकदम से, जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रही थी चीज़ें, तो वो हुआ, प्रोग्राम बना वहाँ का, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आपको जगह जगह सामान फैला मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी तैयारी करनी है, सामान वगैरह रखा है हमारा। तो हम लोग जाएंगे है ना, और सारी चीज़ें वहाँ की शेयर करूँगी आपके साथ, सब कुछ दिखाऊँगी आगे। तो मैं बनाई थी आज मूली के पराठे। मूली के पराठों के लिए ना मैंने चॉपर में ही मूली को चॉप कर लिया बारीक बारीक, और काफ़ी अच्छे से चॉप करा ताकि इसको मोटा मोटा काटा। और फिर मैंने कहा कसती नहीं हूँ, उस दिन मम्मी का हाथ कस गया था, इतना तो ज़्यादा खून निकला था, ब्लड हो गया था सारे में, तो मुझे बहुत ऐसा घबराहट हो गई थी। तो तब से मेरा मन नहीं कर रहा मैं कुछ भी कसूँ, और वैसे भी ना उसमें थोड़ी ताकत लगती है, मैं इसको आराम से खींच लूँगी तो ये हो जाएगा। सो मम्मी मेरी वहीं की बात चल रही थी, मम्मी कह रही थी डीवा का ध्यान रखना है वहाँ पे, डीवा से ज़्यादा कान्हा का, क्योंकि आपने देखा डीवा तो फिर भी गोदी में रहता है हमारे साथ, कान्हा जो कहीं गया है 2-3 बार खो गया है, क्योंकि इधर उधर वो ध्यान रहता नहीं है और गुम हो जाता है, और हमें लगता है कि हमारे साथ साथ है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हैं, तो मम्मी कह रही है उसका अच्छे से ध्यान रखना है सारी चीज़ों को, अपनी मेडिसिन वगैरह सब टाइम पर लेनी है सब चीज़ों के लिए, और अपना तैयारी वगैरह भी करनी थी स्टार्ट, क्योंकि जाना है, टाइम कम है और काम बहुत सारा पड़ा है। और गाइस, इससे पहले हम जाएंगे तो शरार स्टार्ट हो जाएंगे, तो शरारों में तो कोई शॉपिंग करेंगे नहीं, पर यहीं से हम सोच रहे हैं जितना उसको इतनी सारी शॉपिंग वगैरह करके चले जाएं। वैसे तो बाहर सब कुछ मिलता ही आपको पता ही, बट अपने यहाँ की चीज़ों की बात अलग ही रहती है। सो मेरे को इस चीज़ की काफ़ी खुशी भी हो रही है कि काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे, जो हम सोच रहे थे वो अब फाइनली जाके हो रहा है एक, है ना। और कुछ ये है कि मेरी हेल्थ अभी इतना साथ दे नहीं रही है, पर ठीक है, अब जब जाना था तो कोई बात नहीं, करते ही हैं इसको। और यहाँ पर अब तैयारियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम, ये तो आपको हम कुछ दिनों बाद अपने आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी, और वो मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ गाइज, जो चीज़ें मैंने ना बहुत एक्साइटेड होकर आपको पहले बहुत जल्दी शेयर कर दी थी, उसका जो मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है, तो वो मुझे पता ही है कि क्या ही मैंने भरा है ना। और उसके लिए भी फिर यही चीज़ बनी कि मैंने व्यूज़ के लिए सब कुछ करा था। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मेरी जो तैयारी मेरी चल रही है ना गाइज, इसीलिए मुझे बताना पड़ जाता है क्योंकि मेरी तैयारियाँ चल रही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह डालूंगी, तो आप सबको एक ये चीज़ हो जाए कि हाँ अब मैं यहाँ से जा रही हूँ फ़ौरन, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो गाइज़ यहाँ पे बना रही थी मूली के पराठे, और मूली को मैंने ना पानी अच्छे से निचोड़ लिया कपड़े में ही। और गाइज़ मूली के साथ अगर आप प्याज डाल के करते हैं ना, तो दोनों का टेस्ट सेम आता है, और एक साथ उसको काट लीजिए, या प्याज को अच्छे से चॉप करके ना इसके साथ नमक डाल के और निचोड़ लो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं मूली और प्याज के पराठे। Bye।
तो इतने छोटे बच्चों के ना एक तो इनके एग्जाम्स होते हैं और इस टाइम पे इनकी छुट्टियां, तो गाइज लगता है कि इनकी छुट्टियां होना क्या ही है, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ छुट्टी छुट्टी होती है, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं होती। तो गाइज यहाँ पे मैं और दीदी के पास आ गई थी ये वाली बात शेयर करने कि हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि था तो सही बट यही हो रहा था है या नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसको बताती हूँ। आराम से बैठ के यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। हमारा वीजा लग गया, हमारा पासपोर्ट हो गया तैयार और हम लोग जा रहे हैं अब विदेश। बढ़िया भैया, यस चलो फाइनली कुछ अच्छा हुआ। और अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आगे भी मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज न्यूज मिल चुकी है। अच्छा, बहुत धीरे धीरे रिवील करनी है। चलो हाँ सही बात है, बुरा टाइम हमेशा थोड़ी चले है। हमने भाई बता मेरे बिना कैसे रहेगी, तेरे बिना तो रह लूंगी, चूजी बिना कैसे रहेगी, चूजी बिना कैसे रहेगी, जी डोले। अब तो नहीं है आई ना, पर जब सुबह नहाने से पहले आई फिर वापस आएगा, तो सूट आए चलो सूट के ओपनिंग। तो गाइस जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि घर पे बैठे आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे आजकल लेडीज़ ने घर पे ही अपना ऑनलाइन शॉपिंग पेज बना दिया है, तो उसका प्रमोशन करना होता है कि भाई देखो इनके पेज पे ऐसा है, क्योंकि सब अपना अपना कलेक्शन ना अलग अलग जगह से लाते हैं और उनका स्टॉक उनके पास ही होता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो आए थे और हम तो दोनों बहनें सेम ऑलमोस्ट जो हमें पसंद आ जाता है उसी में कलर डिफरेंस ले लेते हैं, तो दो अलग अलग पेजेस से आए हुए थे और बहुत अच्छा कलेक्शन था जो भी है। और त्योहारों के लिए ना अब एक से एक सूट आ रहे हैं और हमें तो ऐसे लग रहा है कि अभी हमारा मार्केट जाना हो ही नहीं पाएगा, और अभी लगता है कि मार्केट जाके करेंगे भी क्या, इतने सूट आ चुके हैं और इतने सारे कपड़े हैं इतने अच्छे अच्छे है ना। तो ऑनलाइन घर बैठे भी बहुत अच्छी शॉपिंग हो ही रही है और काफ़ी अच्छा अच्छा फैब्रिक आ रहा है, वर्क काफ़ी सुंदर आ रहा है, जैसे कि ये वाला ही देख लीजिए। और दीदी बैठे हैं आज पर्पल पर्पल सूट में। तो गाइस आप हमारा सुबह का ब्लॉग देख लेते हैं, रात का देख लेते हैं, तो अब मैं दिखा रही हूँ कि हम लोग दिन के टाइम क्या करते हैं। अभी वैसे तो दिन भी नहीं है, शाम उसके चाय पी रहे हैं। और इससे पहले क्या कर रहे थे, क्या करी दीदी? उससे पहले ओपनिंग करी वीडियो ड्रेसेस की, अपने घर के काम वाम निपटाए, बच्चों के एग्जाम चल रहे थोड़े बहुत देर पढ़ाए, और है बच्चों के एग्जाम चल रहे थोड़े बहुत देर रहेगा, फिर एक छोटी बच्ची है सबके नाक में दम करके रखा है उसे देखना पड़ा है, देखो कैसे कैमरा देख के कैसी होगी। तो गाइस यही चल रहा है हमारा, अब शाम का खाना बनाने से पहले एक राउंड लगेगा वीडियोज का, फिर एक डिनर के टाइम में मन किया तो जब बना लेंगे, नहीं तो ये जा रही है ये बड़े पापा के साथ घूमने जा रही है, देखिए निकाल ली साड़ी, आज तो साड़ी पहन के जा रही है घूमने। हाँ और क्या, तेरे को छोड़ के जा रही घूमने जा रही, और मैं कहीं भी जाऊंगी तो तू जाएगी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरे को छोड़ के चली जाती है कहीं भी छोड़ जाती है तेरे को, तू क्या यूं समझ रही है? मैं भी साथ फ्लोर में लेके जाती हूं। बस वहीं तक तेरा रूट, इसकी कटिंग देगी कैसे होगी? और देख अब साड़ी लेके निकल ली जीनू घूमने, चल रही है तो चल, बड़े पापा के साथ जा रही है जी घूमने, कह रही बारिश हो रही है मौसम सा हो रहा है और मैं जा रही हूँ घिया ले जा, फिर जा घिया पड़ा तू घिया टिंडे अपने संभालो है ना जी ना। हाँ कहते मैं भी जा रही हूँ डिनर डेट पे, आई बस समझे हम घिया फिर नहीं खाएंगे, हम डाइटिंग पे हम कोई डिनर फिर नहीं जा रहे हैं, हम घिया खाएंगे घर की सब्जी, क्या ले खानी पड़ेगी, तो आज के ब्लॉग में काफी एक्साइटेड होती आपको मैं दिख रही हूँ, क्योंकि आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज शेयर करनी है, काफी दिन बाद मतलब मेरे लिए एक्साइटिंग है, आप लोगों के लिए है नहीं है पता नहीं। तो गाइज मैं बता दूँ हम लोग जा रहे हैं फॉरन, काफी दिनों बाद मिस्टर डेडा ने हमारा वीजा पीजा का इंतजाम कर लिया और हम वीजा लगा के जा रहे हैं फॉरन, अब हम दोनों हो और बच्चों समेत हम लोग हो रहे हैं फॉरन में सेटल, ठीक है मिस्टर डेडा? देखो बच्चे कितने एक्साइटेड है। तो
और अभी 2-3 और पड़े हैं तो वो करेंगे शुरू, फिर उसके बाद करेंगे खाने पीने की तैयारी में। और मैं सो चुके हैं 6:15 टाइम, तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ। 2 सूप और हैं शायद, नहीं 2-3 और कर लेती हूँ। तो गाइज आज थी एकादशी और मम्मी के लिए बनाना था व्रत का खाना, तो इसी बीच में मुझे अपना अपना काम भी निपटाना था। सुबह का तो हो चुका था, फिर शाम को हमने चाय वाय पी, यहाँ पे अपना शूट कर लिया। अब दीदी चली गई थी ऊपर सबका खाना बनाने, वो बना रही है घिया वगैरह की सब्जी, और मम्मी के लिए बनाना है मुझे व्रत का खाना, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उनके लिए खीर और व्रत वाली खीर, और बना रही हूँ आलू छके हुए जो टमाटर और हरी मिर्च में बनते हैं। तो वही आलू बॉयल तो कर लिए थे सुबह ही, तो वही आलू हैं और यही काट लिए थे, 3-4 आलू हैं, 2-3 टमाटर उसमें डाले, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, हल्की सी अदरक डाल देंगे जीरे में, डाल देंगे काली मिर्च और व्रत का नमक के साथ देसी घी में तड़का लगाना है। तो गाइस बन जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बस आलू ये है थोड़े से अगर सॉफ्ट हों तो कम चलाने पड़ते हैं, थोड़े हार्ड अगर बॉयल हो गए हैं तो उनको थोड़ा सा पानी डाल के और उसको अच्छे से मिला लो, और उसमें मसाले थोड़े से एक्स्ट्रा डालते हैं तो बहुत अच्छे बन जाते हैं टेस्टी से। और इनको तो आप बिना व्रत के वैसे भी खा सकते हैं पराठे वगैरह के साथ। तो मम्मी ने कहा था सुबह ही कि जब मैं मतलब शाम को खीर बना देना, तो फिर ये खीर भी रख दी थी सामक के चावल वाली। और तो गाइज़ बहुत सारे लोग ना मुझे ये कमेंट करते हैं कि व्रत में चावल नहीं खाते, इवन नाम भी नहीं लेते, सामक हो या फिर सिंपल हो कैसे भी हो उसकी नहीं बनती है, है ना। पर मुझे देखिए मैं तो व्रत वगैरह इतना करती नहीं हूँ, अभी तो नहीं कर रही हूँ, और मम्मी ने ये स्टार्ट करे थे तो फिर मम्मी ने पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने बता दिया था कि ये वाले खा सकते हैं, तो फिर मम्मी अपना पूछ के अपने हिसाब से ना मम्मी ही बनवाती हैं, तो वो जैसे बोलती है मैं तो करवा देती हूँ। तो शाम को खा पी के आज मैं आ गई थी छत पर काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि गाइज़ जो मेरे ना फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आई है, अब उससे डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है आपको वॉक स्टार्ट करनी है। और शाम को ना रात के टाइम इस टाइम हम अपने कपड़े धो देते हैं, आपने देखा होगा कि हम कभी कपड़े धोते नहीं दिखते हैं आपको, तो रात के टाइम हमारी मशीन लग जाती है ऑटोमेटिक, और एक दूसरी मशीन है, अगर ज़्यादा कपड़े होते तो ठीक है, वरना इसमें हम कपड़े डाल देते हैं अपने बारी बारी और ना इनको सुखाते रहते हैं, और ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो इनको हम निकाल के और डाल ही देते हैं छत पर, ताकि ये सूख जाएँ दिन में और शाम तक ये प्रेस होने के लिए उतर जाते हैं। और मोस्टली कपड़े हमारे जैसे सारे जेंट्स के हैं, हमारे सूट्स वगैरह हैं ये तो जाते हैं प्रेस होने, आयरन होने, और जो बाकी छोटे मोटे कपड़े रहते हैं बच्चों के या कुछ डीवा के और वो सब, तो उनकी तह लगा के उनको रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी अपनी मशीन जिसमें मैंने बेडशीट वगैरह डाल दी थी, और दीदी और पिंकी दीदी वॉक कर रही थी। आज मौसम बहुत अच्छा था तो कई दिन बाद हम सब लोग छत पे आए क्योंकि कपड़े धोने थे, तो मैं आई फिर मैं इन सबको भी ले आई, मैं कहा चलो इतने अभी खाना वगैरह नहीं बन रहा है तो वॉक करते हैं, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, तो बस यही अपना थोड़ा बहुत ऐसे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वरना पहले तो हमारा रेगुलर था। फिर मैं आ गई थी 50 दिन से जब अपनी डाइट दिखा रहे हैं ना, याद है फटाक से देखो बिस्किट खा लो, बिस्कुट खा जाओ, देखो ये आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। मैंने बर्गर भी खाए हैं, आज तो सारी चीज़ें खा कर दिखाई है, मिठाई भी दिखाई, सब कुछ दिखाई है। मेरा मानना तो देखो कार्ब्स भी जरूरी है। अच्छा हाँ, बिस्किट खा लो, पार्क में चक्कर ज्यादा लगा लो, इनकी बातों में कोई आ मत जाइए, ये खा पी के देखो कैसे बिस्किट का पाकअप खा रहे हैं, खुद तो अपना वजन कमे जा रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे पागल बना रहे हैं, ये अब कितना दौड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं पता थोड़ी है किसी है, हैं यूज कहेंगे भाई वजन घट रहा हो कोई बात ना, रात को तो एक बिस्किट खा ले, ये सब झूठ है, अगर वजन घटाना फीका दूध लो गुड़ से। तो गाइज देखो जैसे तो मेरे कोलेस्ट्रॉल आया था तो ये आदमी तो जा रहे नहीं है, अब जिनू नीचे गई है लेने मैं ही जाऊंगी, मैं उसको लेके आती हूँ, फिर सांस फूल जाएगी, फूलती हुई सांस से ऊपर चढ़ूंगी करके ऐसा ही जाता है ब्रश करते टाइम, इतना कोई घबराने की बात ना, बुझा ऐसा क्या होगा, तुम क्या करे गधापन दिखाने की जितना पता कौन गधा है, मैं तो ना खुला कर लेना निकल जाएगा उसे, वो छिल जाता है मसूड़ा ब्रश से। और अब देखो एक और चीज खुल गई, रसगुल्ले, ओ माय गॉड, देखो गाइस आज तो सारी पोल पट्टी खोल के दिखा रही है तुम्हारी, देखो कैसा गप्पा खा रहे, स्वाद कम ना होना चाहिए है, रिकॉर्ड कर रहे हो तो पूरा करो ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट लेने का, तुमने तो इतना ही बराबर कर लिया, 5 डिनर करने का फायदा हुआ, आके तुमने खीर खा ली, तुमने पपीता खा लिया, तुमने दूध पी लिया, बिस्किट खा लिया, रसगुल्ला खा लिया। तो गाइज हम दोनों की तो ऐसे चलती रहती है हंसी मजाक, तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर